जय हिंद दोस्तों फ्रॉम असम होमगार्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ और एक नया खबर लेके जो कि होमगार्ड रिलेटेड से है। और आइए देखते हैं, खबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है नवनियुक्त होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण कार्य हुआ संपन्न। बेटिया नवनियुक्त होमगार्ड जवान का प्रशिक्षण कार्य पूरा हो गया। वर्ष 2011 से अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, 2023 में बहाल होमगार्ड जवान आखिरकार प्रशिक्षण पाकर वापस लौटे हैं। नवनियुक्त जवान वैशाली में 120 दिनों की ट्रेनिंग पूरा कर वापस लौटे हैं। मंगलवार को स्थानीय होमगार्ड कार्यालय में जिला समादेष्टा मनीष कुमार ने नए होमगार्ड जवानों को अनुशासन का पाठ बताया। जिला होमगार्ड जवानों से कहा कि यह वर्दी कांटों का ताज है, हर परिस्थिति में वर्दी की लाज रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि होमगार्ड जवानों के ऊपर समाज का भी जिम्मेदारी है, समाज की सुरक्षा करनी है। उनकी सेवा में स्वयं सेवक शब्द लगा है, ऐसे में आपके ऊपर समाज सेवा से लेकर समाज के विभिन्न वर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी की होमगार्ड जवान पूरी ईमानदारी से अपनी कार्यों को करे। ड्यूटी जब आप करते हैं तो आपके बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी देखने को मिलती है। इन परिस्थितियों से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों से का डट कर सामना करना है। आपके कार्य के दौरान आपके ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, अनुशासन में रहना है। जिला समादेष्टा ने नवनियुक्त होमगार्ड जवानों को शुभकामनाएँ भी दिए। इनमें से 6 महिला है। जवानों को कागजातों की जाँच के बाद ही आपको ड्यूटी पर रखा जाएगा। तो यही है फिलहाल खबर। तो बहुत ही खुशी की बात है, जो 120 दिनों की ट्रेनिंग करके जो अभी नए जवान लोग आएंगे उनको भी मेरे तरफ से, असम होमगार्ड के तरफ से शुभकामनाएं हैं। अच्छे अच्छे ड्यूटी करो और सरकार से निवेदन है कि होमगार्ड का जो यहाँ पर लिखा है उनकी सेवा में स्वयं सेवक शब्द लगा है, तो सरकार को निवेदन है कि आप लोग ये जो स्वयं सेवक शब्द है उसको हटाकर राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। और वीडियो पर आप लोग पहली बार विजिट किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।